गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास एट वालों के लिए आज हम आगे बढ़े माय डियर स्टूडेंट्स, पीपीएस ऑनलाइन। और सबसे पहली बात, चलिए आज हम क्लास एट वालों के लिए आगे बढ़े एक्सरसाइज 2.1 में माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। 2.1 के पहले यानी क्वेश्चन नंबर 4 के पहले सारे क्वेश्चन लग गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगा दिए थे, आप भी सॉल्व करें, कोई डाउट नहीं है। और अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे व्हाट्सअप में कमेंट करके, पर्सनली या ग्रुप में व्हाट्सअप में कमेंट करके पूछ सकते। ओके मैडम सेन, तो क्वेश्चन नंबर 4 इवेल्युएट करना है। क्या करना है मैडम सेन? आइए, इवेल्युएट करना है। हाँ, आपको हम एक्सपोनेंट के सारे फॉर्मूले बता दिए थे, वो लगे कोई डाउट नहीं रहा होगा। और अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे व्हाट्सअप में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके मैडम सेन, वो जो 7 फॉर्मूले याद रखे उसी बेस पे ये सारे क्वेश्चन लगे हैं। ओके मैडम सेन, तो देखिए -2/3 × -3/4 / 4। तो देखिए मैडम सेन क्या करना है, -2/3 ठीक है का क्यू, ऊपर का क्यू नीचे का क्यू, इंटू -3 का ऊपर का पावर 4 नीचे का भी पावर 4 ठीक है मैडम सेन। अब क्या करना है, देखिए माइनस और टेंस माइनस होता है, इसको बाहर कर लेंगे। ओके 2 × 3 * माइनस इवेंट टाइम्स प्लस होता है। ओके 3 × 4 / 4 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 2। ओके मैडम सेन, 4 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 2 2 के पावर स्क्वायर ठीक है। अब पावर होल पावर 4 है ठीक है। अब जब बेस का पावर हो, पावर का इंटू हो जाएगा या पावर में सीख चुके हैं। अब देखिए 2 × 3 * 3 × 4 / सेम टू सेम उतार चले आइए। नेक्स्ट लाइन माइनस, अब देखिए क्या करेंगे, जो 2 का पावर 3 नीचे 2 का, जो सेम बेस वाले को एक साथ टर्म लिख लीजिए, और यहाँ पे 3 की पावर 4 / 3 की पावर 3 सेम बेस वाले को एक साथ लिख लीजिए। तो देखिए अब देखिए जब बेस सेम हो तो डिवीजन में पावर का क्या होता है, माइनस, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। तो माइनस, अगर आप नीचे से माइनस करेंगे तो नीचे लिखेंगे, अगर आप ऊपर के पावर में से माइनस करेंगे तो यही पावर माइनस ऊपर लिखेंगे, और तब बेस ऊपर वाला रहेगा। और नीचे माइनस करेंगे तो बेस नीचे वाला लेंगे, और जब ऊपर माइनस करेंगे तो बेस ऊपर वाला, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके प्रोसेस ही होना चाहिए। अब 3 की पावर 4 / 3, तो बेस सेम है माइनस सेम, तो पावर में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 3 की पावर 4 - 3 ओके, तो -1/2 की पावर 8 - 3, तो 8 में 3 गया -5 और यहाँ 3/4 में 3 गया 1। अब देखिए -3/2 की पावर 5, तो माइनस सेम, चाहे आप ये आंसर लिखिए चाहे ये, या इसको सॉल्व करके -2 × 2 × 2 × 5 times तो क्या लिखेंगे, -3/13, तो ये भी आंसर सही है। चाहे ये आंसर लिखिए चाहिए, दोनों सही, बट बुक में अगर ये दिया है तो यही आपका फाइनल आंसर। ओके मैम, चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें का ए पार्ट मैडिस्ट्रेन मैंने करा दिया, ई वैल्यूट में मैडिस्ट्रेन क्या था, इसमें का ए पार्ट मैंने करा दिया ठीक है। अब इसी तरह बी सी पार्ट होमवर्क रहेंगे, कर लीजिएगा, बस 7 वो बेसिक एक्सपोनेंट के फॉर्मूले आपको लर्न हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, फाइंड द रेसिप्रोकल 4/5 / -2 / 8/50 - 1। तो देखिए पहले तो इसका वैल्यू निकालिए, फिर रेसिप्रोकल बाद में निकालेंगे ना, पहले हम इसको सॉल्व करके इजी कर लें, फिर हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे। 4/5 / -2 / 1/8 / 50 4/5 / -2 × 15/80 ठीक है। क्यों? क्योंकि जब पावर ऊपर माइनस नहीं जाएगा, पावर प्लस, तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए ठीक है मैडम सेन। अब क्या करना है, अब जब ठीक है 8/15 ठीक है मैडम सेन, तो 8/15 ओके। अब जब इनटू को डिवीजन बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 15/8 ओके मैडम सेन। आइए अब देखते हैं 1/4/5 का स्क्वायर ठीक है। अब वो ऊपर माइनस नीचे जाएगा प्लस ओके मैडम, इंटू 15/8 ठीक है मैडम सेन। और इस तरह से फिर 4 का स्क्वायर 4, फिर ये जब नीचे वाला ऊपर, जब 1/5 में तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 5/4 का स्क्वायर × 15/8। अब जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर, और इंटू 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 ओके मैडम सेन, 2 की पावर 3। अब जब 5 का स्क्वायर 4 को लिखेंगे 2 × 2 2 times और होल स्क्वायर इंटू 15/2 3 ओके मैडम सेन, तो 5 का स्क्वायर × 15 × 50 को लिख सकते हैं 5 × 3 ओके मैसे, 2 × 2 लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर / होल स्क्वायर × 2 का क्यूब ओके मैसे, बराबर 5 का क्यूब × 3/2 2 की पावर 4 × 2 की पावर 3। अब 125 × 3/2 की पावर 7
तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 थ्री जा 375 अपान नीचे 2 की पावर 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप चाहे यहाँ आंसर लिखे चाहे अभी आंसर नहीं, अब आपको इसका इमेजिनेशन रेसिप्रोकल निकालना है। क्या निकालना है उस रेसिप का, तो अब इसका वैल्यू जो आया है इसका, अब रेसिप्रोकल 1/, तो 1/, चूंकि रेसिप्रोकल 1/ करेंगे और तो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, तो आ गया आपका फाइनल। ओके मैं आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो बाकी मैंने 5 के बाद 6-7 छोड़ दिया, वो सेम टू सेम होमवर्क डिवीजन करने कर लीजिए। ओके मैं आइए क्वेश्चन नंबर 18 तरफ बने, बाय व्हाट नंबर सुड इतना बी डिवाइडेड सो दैट क्वेश्चन इतना। ऐसे क्वेश्चन में याद रखिएगा, जब डिवीजन वाला केस हो माइंड क्वेश्चन, तो बस याद रखेंगे पहले वाले में से दूसरे को डिवाइड करेंगे, और जब ये मल्टीप्लाई वाला केस हो तो बाद वाले में से पहले वाले को डिवाइड करेंगे। ओके, तो चूंकि डिवीजन का है तो पहले में बाद वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2/3 की पावर 4 डिवीजन 4/9 की पावर -3 के मैं 2/3, तो माइनस इवन टाइम्स प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस लिखे चाहे मत लिखिए। 2/3 की पावर 4 डिवीजन 4/9, तो ये जब ऊपर माइनस नीचे जाएगा प्लस हो गया, तो 4/9 की पावर 3। अब ये 4/9 पे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 ऊपर चलेगा, 9/4 की पावर 3, और 2 की पावर 4/3 की पावर, इसे उतारते चलिए। अब 2 की पावर 4/3 की पावर 4 इंटू जब करेंगे तो फिर नीचे वाला ऊपर पर वाला नीचे, 4/9 की पावर 3। अब देखिए 2 की पावर 4/3 की पावर 4 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब ये कहाँ से आता है मैडम से, जैसे आप एलसीएम निकालते हैं फैक्टराइज करते हैं वैसे ही है। ओके मैडम से 2 का स्क्वायर, अब बेस का पावर हो पावर का पावर में इंटू 3 2 जा 6, बेस का पावर हो पावर का पावर में इंटू 3 2 जा 6। अब देखिए बेस सेम है तो बेस सेम है पावर डिफरेंट, तो पावर का क्या करेंगे प्लस, 6 4 10, और बेस सेम है तो पावर डिफरेंट, तो पावर का क्या करेंगे प्लस। अब इसको हम लिख सकते हैं 2/3 की पावर 10, ये भी आंसर है। आप चाहें तो 2/3 को एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते, लेकिन वो बहुत लंबा होगा, जब लंबा हो पावर हो तो हम सॉल्व नहीं करते। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं या सॉल्व करें, ठीक है। ओके मैं हुसैन, तो इस तरह से देखिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ओके मैं हुसैन, तो बाकी जो पार्ट मैंने छोड़ दिया आपके लिए होमवर्क रहेंगे, कर लीजिएगा, और जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया उसे फेयर पे कंप्लीट करते चलेगा। ओके मैं हुसैन, और कोई भी डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे पर्सनली या ग्रुप में। ओके मैं हुसैन, और जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में से बाकी क्वेश्चन होमवर्क लगाएंगे, जिन बच्चों के पास बुक नहीं वो क्वेश्चन बुक से नहीं लगाएंगे, वो उन्हें मैं वीडियो के माध्यम से होमवर्क दूंगा, वीडियो पहुंच करके क्वेश्चन लिख के सॉल्व करेंगे। ओके मैं हुसैन, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वो जो 7 बेसिक फॉर्मूले हम आपको व्हाट्सएप में ग्रुप में भेजे थे उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। ओके मैं हुसैन, तो देखिए मैं हुसैन, 4 का A पार्ट B मैंने करा दिया, तो बाकी CDEF होमवर्क रहेंगे, कर लीजिएगा, कुछ करना नहीं, वही 7 बेसिक फॉर्मूले अगर लर्न है एक्सपोनेंट के तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें, और ध्यान से करेंगे, गलती मत करें, क्योंकि प्लस माइनस में गलती तो पूरा आंसर गलत। 5वें का मैंने बता दिया, तो 6 भी आपका हो जाएगा, क्या करना है मल्टीप्लाइड, तो इसमें भी डिवीजन करना है, 6 भी 7 भी 6 की तरह डिवीजन करना है। 9 मैंने 8 बता दिया, 9 भी 8 की तरह डिवीजन करना है, ठीक है मैडम। तो जो क्वेश्चन मैंने बता दिया एकदम सेम टू सेम, बस डिवीजन करना है, और आपको डिवीजन करना आता है, और कैसे पावर कट, बस वो 7 फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए। ओके मैं से, तो कल हम आपसे नेक्स्ट टाइम पे जब भी मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 स्टार्ट करेंगे, होमवर्क दे दे रहे हैं करने करिएगा, करने की कोशिश करिए, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम आपसे नेक्स्ट टाइम पे जब भी मिलेंगे स्टार्ट करेंगे, और जितना क्वेश्चन मैंने बता दिया होमवर्क दे दिया उसे आप फेयर पे कंप्लीट करते चलिए। ओके मैं से, और कोई भी डाउट हो वो पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिनके पास बुक है वो तो बुक से लगाएंगे, जिनके पास बुक नहीं मैं मुझे पर्सनली वाट्स मैं उन्हें वीडियो के माध्यम से होमवर्क दे दिया, वीडियो पहुंच करके क्वेश्चन लिख करके सॉल्व। ओके मैं सेन, तो कल हम नेक्स्ट टाइम पे जब भी मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 आपसे स्टार्ट। ओके मैं सेन, सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग, विश यू ऑल दिस एंड सी यू टुमारो एंड जय हिंद।